दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और इस महामारी में आप लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि अब समय परिवर्तन हो रहा है, चीजें अच्छी हो रही होंगी। और इसी बीच में जैसे मैंने कि आपसे वादा किया था कि मैं हर हफ्ते आपके लिए कोई ना कोई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा, और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो कॉन्सेप्ट टॉप पे होगा। मैंने आपको इमरजेंसी पे वीडियो डाली थी, उसके बाद से मैंने आपको केस और भारतीय केस पे दो वीडियो डाल चुका हूँ। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में भी आपको बताना था, लेकिन वो क्लास मैंने स्पेशल क्लास पे लिया था, यूट्यूब पे नहीं आ पाई थी वो क्लास। तो बहुत से बच्चों के मैसेज आए थे, जैसे उन्होंने 2-3 घंटे क्लास देखी, उनको लग रहा था कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हो रही है। तो मैंने चूंकि अपने कमेंट्स में पूछा था कि आप बताइएगा हमें कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि उसमें से कुछ बच्चों ने मुझे ये कमेंट किया था। जब मैंने इमरजेंसी के बारे में बात किया था तो उसमें एक कानून के बारे में मैंने बात किया था, और वो कानून था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मीसा कानून या मीसा एक्ट के बारे में। अगर हम मीसा एक्ट के बारे में बात करेंगे तो उसके साथ संबंधित कई चीजें हैं, तो मुझे उन सब पे भी बात करनी थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में लेके आया हूँ, और इस क्लास में हम लोग संविधान के कई सारे मुद्दे पे ऐसी बात करेंगे, कई सारे जजमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और उस समय के कई सारे ऐसे केस के बारे में बात करेंगे, कई सारे संविधान के संशोधन के बारे में बात करेंगे, संविधान के कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। और जब हम उन सब चीजों को बहुत ही गहराई से समझेंगे तब हम एक्चुअल में समझ पाएंगे कि हैबियस कॉर्पस केस क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो हिंदी में कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और जब इसको समझेंगे तो हम लोग हिंदी को भी समझेंगे। तो क्या क्या हम लोग को समझना है, किन किन मुद्दों पे बात करनी है, सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक भाग अगर हम पढ़ाएंगे और सोचेंगे कि एक ही पार्ट में वीडियो बन जाए तो काफी टाइम लगेगा, 2 से 3 घंटा लग जाएगा। तो उन्हीं घंटों को डिवाइड करने में कि आप एक ही वीडियो देखकर बोर ना हो जाए, हमने हमने सोचा है कि इसको 2 भागों में लेके आएंगे। पहला भाग अभी हम बात करेंगे, उसके बाद दूसरे भाग के बारे में भी हम कल आपको वीडियो दे देंगे, कल मॉर्निंग में आपको वीडियो देंगे। देखिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। और जैसा कि हमने इंदिरा गांधी के बारे में बात किया था, फिर हमने केशवानंद भारती केस के बारे में बात किया था, वो दोनों जो कहानी थी वो लगभग डायरेक्ट कहानी, मतलब एक इंटरेस्टिंग कहानी तो थी, प्लस उसमें ज्यादा लिंकिंग की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज की जो कहानी होगी, इस कहानी में अगर हम ध्यान दें तो इसमें लिंकेज की बहुत बड़ी जरूरत है। मतलब ये कहानी थोड़ी सी आपको पिछली 2 कहानियों से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इस कहानी में बहुत सी बातें आपको समझानी पड़ेगी। और जब आप उन संविधान और बहुत सी बातें, कौन सी, मैं कोई आपको राजा रानी की कहानी सुनाऊंगा, मैं बातें संविधान की करूंगा और संविधान के कुछ एक्ट के बारे में आपसे बात करूंगा। और जब एक्ट के बारे में बात करूंगा फिर भारत देश में ऐसा क्या हुआ घटना, उसके बारे में भी बात करेंगे। और जब इन सब के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां पे भी आपको लगे, वरना मैं ये क्लास लाइव लेके आता, लेकिन मुझे मालूम है कि ये क्लास लाइव लाने लायक नहीं, रिकॉर्डेड रहेगा तो आपको ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि तो आप बीच में पढ़िए, आधा घंटा पढ़िए, आपको लगता है कि यहाँ पे चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही है, पॉज करिए। तो पॉज करने के बाद फिर आप कहीं से जाइए, रिफ्रेश हो जाइए, जहाँ पे घूमना फिरना है, पानी पीना है, चाय पीना है, उसके बाद वापस से आके फिर से रिज्यूम करिए। और अगर आप अभी निहत्थे बैठ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि आज की क्लास में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेंगी उसका नोट्स बनाना है और चीजों को बहुत से हम लोग समझें। एक तो मुद्दा ही हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण का है, इसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ में और किन किन मुद्दों पे बात करेंगे। तो एक आज मीसा कानून के बारे में हम लोग बात करेंगे, गवर्नमेंट एंड मीसा कानून क्या है, इसको जो फुल फॉर्म है वो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1971।
गया उस समय जब ये एक्ट आया था, उस समय आप सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो कहा गया था कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल संजय गांधी, मेंटेनेंस ऑफ इंदिरा एंड संजय, मतलब इंदिरा संजय गांधी से इसका नाम छोड़ दिया गया था, लेकिन इसका वास्तविक नाम मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मतलब आंतरिक जो समस्या है उसके रख रखाव के लिए अधिनियम बनाया गया था वो। और जब हम मीसा के बारे में बात करेंगे तो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर बात करनी पड़ेगी। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, फोटो के बारे में, इनके बारे में बात करनी पड़ेगी। और इनका नाम जो है वो एके गोपालन है, और इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बताएं, अगर एके गोपालन के बारे में, तो ये पहले कांग्रेस पार्टी से थे, उसके बाद इन्होंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी, आजादी की लड़ाई के बाद फिर ये बहुत दिन तक एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, एमपी रहने के बाद फिर कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली, और 1977 में 21 मार्च के महीने में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनका भी एक केस बहुत ही व्याख्यात केस है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने केस किया था, और इतने प्रचलित नाम थे कि इनके नाम से सरकार ने 1990 में एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रचलित नाम इनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया है। तो इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और जब इनके बारे में बात करेंगे तो हमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना पड़ेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है वो समझेंगे, डेफिनेशन क्या है, और इसका पूरा बकायदा हम लोग समझेंगे प्रिवेंटिव डेफिनेशन क्या है। अगर इन सब मुद्दों के बारे में बात करें तो एक आपको थोड़ी सी बातें रह गई है। मीसा, मीसा एक एक्ट था जिस एक्ट के तहत जब 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी हमारे देश में, तो उस इमरजेंसी के समय बहुत से बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल में डाला गया। कई सारे नेता थे उसमें, मोरारजी देसाई भी थे, लालू प्रसाद यादव भी थे, मोरारजी और जेपी नारायण भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, कई सारे नेता लोग थे। उसी में एक नेता ऐसे थे जिन्होंने मीसा के याद में, जब वो जेल में थे तभी उनके घर उनकी बेटी पैदा हुई, और चूंकि वो मीसा एक्ट के तहत ही अंदर थे तो उन्होंने अपने बेटी का नाम मीसा एक्ट के नाम पे ही उन्होंने अपने बेटी का नाम मीसा रखा, और मीसा भारती के बारे में आप जानते ही होंगे। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मीसा भारती जो थी वो लालू प्रसाद यादव की ही बेटी थी, एमपी भी थी और भी बहुत प्रचलित नाम है, तो मीसा के नाम से ही इनकी बेटी का नाम है मीसा भारती। तो एक ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको देनी थी, प्लस एके गोपालन के बारे में भी हम लोग बहुत चर्चा में बात करेंगे, और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में भी बात करेंगे, क्या होता है डिटेंशन उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, और इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आर्टिकल अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अगर हम इतिहास में, अपने संविधान में अगर हम बात करें, तो अगर हम आपसे कहें कि अपने संविधान के कुछ महत्वपूर्ण 10 आर्टिकल के नाम बताइए, या 5 आर्टिकल के बहुत महत्वपूर्ण नाम बताइए, तो उन 5 आर्टिकल में भी आर्टिकल 21 का जिक्र जरूर होगा। अगर आप 5 आर्टिकल के भी महत्वपूर्ण नाम बताएंगे तो उसमें ये आर्टिकल जरूर आएगा। और इस आर्टिकल के अंदर दो बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक तो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और दूसरा है ड्यू प्रोसेस लॉ। इन दोनों चीजों को हम लोग बहुत आज गहराई में समझेंगे, बहुत ही बारीक से समझेंगे, और ये दोनों ही महत्वपूर्ण केस है। और जब इन दोनों केस के बारे में बात होगा तो दो महत्वपूर्ण केस के बारे में बात होगा, एक गोपालन केस जो 1950 में शुरू हुआ और ये मद्रास गवर्नमेंट के खिलाफ हुआ, और एक मेनका गांधी का केस जो आप देख पा रहे होंगे 1978 में शुरू हुआ। तो अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की बात करेंगे, आर्टिकल 22 की बात करेंगे, मीसा एक्ट की बात करेंगे, डिटेंशन की बात करेंगे, और ये जो दो महत्वपूर्ण शब्द है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करेंगे, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। और इस शब्दावली का हमारे संविधान पे क्या असर पड़ा, हमारे लोगों पर क्या असर पड़ा, हमारे एक्ट पर क्या असर पड़ा, हमारे देश पर क्या असर पड़ा, हम सबके बारे में बहुत ही गहराई से आप समझेंगे। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो इन सभी से संबंधित है, तो
इसके अलावा अगर मैं बात करूं आर्टिकल 19 भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन सब के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है। और इसी के साथ साथ कुछ और आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 356 के बारे में, ये सब आर्टिकल आपको मालूम होगा कि ये सारे जो आर्टिकल थे वो आर्टिकल 360, ये सारे आर्टिकल जो है वो इमरजेंसी के तहत लगाए गए थे, आपातकालीन एक्ट के तहत लगाए गए थे। लेकिन इसी एक्ट के तहत अगर हम बात करें तो एक आर्टिकल जो बहुत कम लोगों को समझ में आता है या बहुत कम लोग उस पर ध्यान देते हैं, आर्टिकल 359 के बारे में भी हम लोग इसी चैप्टर में जिक्र करेंगे। आर्टिकल 359 के बारे में, क्योंकि तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जब 359 के बारे में बात करेंगे तो आर्टिकल 358 के बारे में हमें बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये उसी से कहीं ना कहीं संबंधित है, तो इन दोनों आर्टिकल के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के अभी ये शुरू के 5-10 मिनट में आपको ये समझाया गया कि हम लोग इस टॉपिक के अंदर क्या क्या मुद्दे पे बात करने वाले हैं, क्या क्या किन किन विषयों पे चर्चा करने वाले हैं, ये चीजें आपको समझाना बहुत जरूरी था। और जब आप ये सब चीजें समझ गए हैं तो मुझे मुझे समझ में आ गया होगा कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि आज की क्लास कितनी महत्वपूर्ण है और किस क्लास के लिए या किस सब्जेक्ट के लिए या किस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम बात करें तो अगर आप पीसीएस का पेपर देने का मूड बना रहे हैं, आईएएस का पेपर देने के मूड बना रहे हैं, या आपको ऐसे भी कोई परीक्षा नहीं देना है लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति में अगर आपको दिलचस्पी है, भारतीय संविधान में यदि आपको दिलचस्पी है, या 40 लोग के समाज में, 4 लोग के समाज में बैठ के बहस करने की दिलचस्पी है, तो भी आपको ये क्लास जो होगी बहुत ही मददगार होगी। आपको कई सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी जिन जानकारियों के बारे में आपको शायद आधी अधूरी जानकारी है या फिर जानकारी ही नहीं है, सिर्फ आपने नाम सुना होगा। आज की एक क्लास करने के बाद आपको एक अंदर से जानकारी मिलेगी, एक अंदरूनी जानकारी मिलेगी, भारत के संविधान के बारे में जानकारी मिलेगी, परीक्षा की एक बेसिक तैयारी आपकी हो जाएगी। और अगर आप 40 समाज में या 10 समाज में अगर आप बैठ रहे हो तो आपकी बातों में वजन मिलेगा जब आप इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर अगर हम बात करें, आज के टॉपिक में सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बात करेंगे जिसका सबसे का नाम होगा डिटेंशन, और इसी शब्द को हम एक और भाषा में नाम है अरेस्ट। अरेस्ट की हिंदी आप सबको मालूम है, गिरफ्तारी होती है, और डिटेंशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है विरोध का मतलब, किसी को भी निरुद्ध कर देना, किसी को भी बंदी बना देना किसी को, और गिरफ्तार का मतलब आपको मालूम ही, किसी को गिरफ्तार कर लेना, किसी को विरोध कर लेना, किसी को बंदी हो, टेंशन का मतलब यही होता है। अगर हम बात करें तो हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 आजादी क्या होती है, अगर आजादी के बारे में बात करें तो आजादी का मतलब क्या है, के ऊपर से जो पहले से प्रतिबंध चलते आ रहे हैं प्रतिबंध, उस प्रतिबंध को यदि हटा दिया जाए तो ये आजादी। हमारा देश आजाद हो चुका था, देश के जो आदमी आजाद हुए थे वो क्या सपना लेकर आजाद हुए, क्योंकि वो इसके पहले किससे गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम, उनके दिमाग में क्या रहता होगा कि अगर हम आजाद हुए जो कानून या जिस तरीके की सजा हमें अंग्रेजों द्वारा मिलती थी अब हम उन सजा के हकदार नहीं होंगे, उस तरीके की प्रताड़ना हमें नहीं सहनी पड़ेगी, उस तरीके की चीजें हमें नहीं सहनी पड़ेगी, और इसलिए हम आजाद मान जाएंगे। जब आजाद हुआ हमारा देश तो लोगों का यही सपना था कि हमारा देश आजाद हो गया। आजादी खत्म कैसे हो सकती है, आजादी खत्म कैसे हो, उस आजादी को खत्म करने के लिए या तो उस व्यक्ति को बंदी बना दिया अरेस्ट कर देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आप उसकी आजादी को छीन लेते हैं। और आजाद भारत में किसी की आजादी को छीनना बहुत ही बड़ी बात, जेल में डालना कितनी बड़ी बात, किसी को फांसी देना कितनी बड़ी बात, ठीक उसी प्रकार की बात है किसी की आजादी को छीन लेना। और जब हमारे देश में आप आजाद हो
और आजादी आपकी छीन लेगा, यही बहुत बड़ी बात। आजादी छीनने के जो तरीके थे, जो डिटेंशन था मतलब बंदी बना लेना, किसी को कैद बना, कैद कर लेना। डिटेंशन और अरेस्ट में अगर मैं आपसे अंतर पूछूं तो बहुत ही साधारण सा अंतर है डिटेंशन और अरेस्ट में। अरेस्ट जो है वो लीगल टर्म में यूज करते हैं, जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो लीगल कानूनी तरीके से गिरफ्तार करते हैं, अरेस्ट कहा जाता है। डिटेंशन शब्द ऐसा है कि आप लीगल और इलीगल दोनों मायने में इसका यूज कर सकते हैं। अगर एक बाप ने अपने बेटे को कैद कर रखा है, एक बेटे ने अपने बाप को कैद कर रखा है, तो वो भी डिटेंशन ही कहलाता, बंदी कहलाता है। डिटेंशन के प्रकार अगर हम जाने, बेसिकली जो डिटेंशन होता है कितने प्रकार के, देखो एक डिटेंशन का अगर मतलब हम समझे तो एक डिटेंशन का मतलब ये भी है, उसे कहते हैं दंडात्मक निरोध। आप लोग नोट्स बनाते रहेंगे तो कभी इस क्लास का मजा है, जब आप साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तभी इस क्लास का आनंद आएगा। चलो पाओ, दंडात्मक निरोध जिसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव डिटेंशन, और दूसरा जो इसका प्रसार होता है उसको कहते हैं निवारक निरोध। इसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव। अगर इन दोनों शब्दों पे ध्यान दें, दोनों शब्दों का आपस में बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगर इन दोनों शब्दों के बारे में हम बात करें तो इनका आपस में बहुत दंडात्मक निरोध का मतलब क्या होता है समझे। डिटेंशन का मतलब किसी को निरुद्ध करना, किसी को कैद करना, और दंडात्मक निरोध का मतलब कि किसी ऐसे व्यक्ति को बंदी बनाना, किसी ऐसे व्यक्ति को सजा देना, किसी ऐसे व्यक्ति को कैद कर देना जो व्यक्ति दंड के पात्र हो, जिस व्यक्ति ने किसी ने जुर्म किया हो, किसी ने कोई ऐसा काम किया हो जो करने लायक ना रहा हो, जिसके प्रति हमारे संविधान के अंदर दंड दिया गया हो, इस तरीके कृति कर ली, जैसे चोरी कर लिया हो, हत्या कर लिया हो, और वो करने के बाद काफी सुनवाई के बाद यदि आपको कैद किया जाता है तो आप दंडात्मक निरोध के कब्जे में होते हैं। मतलब अगर आपने कोई क्राइम किया है और क्राइम के बाद उसकी सुनवाई हुई, मजिस्ट्रेट के पास गए, कार्रवाई हुई, केस चला, केस के बाद न्यायालय ने आपको सजा सुना दी और आप उसके बाद जेल में चले गए, तो वो कहलाता है दंडात्मक। इसमें किसी को बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती क्योंकि तो हमारे देश में होता है, लेकिन जो समस्या होती है वो किस निरोध से होता है, निवारक निरोध। और हमारी जो कहानी है आज निवारक निरोध के ऊपर ही टिकी हुई है, जो भी हम चर्चा करेंगे वो निवारक निरोध के मुद्दे पे ही चर्चा करने वाले हैं। निवारक निरोध का मतलब क्या होता है, इस निरोध या इस डिटेंशन का मतलब होता है, उसमें कैद करने का मतलब होता है कि यदि आपको लगता है इस व्यक्ति द्वारा कोई क्राइम हो सकता है, मतलब संभावना लगती है आपको, कि अगर आपको लगता है कि नहीं आप, मुझे ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए मैं कानून हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई ऐसा कृत्य कर सकते हैं जो अराजकता फैलाए, जो क्राइम हो, और मैं उस कृत्य के करने के पहले ही यदि आपको गिरफ्तार कर लूं तो वो क्या लगता है निवारक। अंग्रेजों के समय में निवारक निरोध बहुत चलता एक प्रचलित हुआ था, और हमारे देश में जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था लोग निवारक निरोध के बहुत शिकार होते थे। मतलब अगर मुझे लग रहा है कि आपसे कोई क्राइम हो सकता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कोई ना कोई ऐसा क्राइम कर देंगे, तो मैं उस चक्कर में उस संभावना के आधार पर यदि आपको बंदी बना लूं, यदि आपको कैद कर लूं, यदि आपको जेल में डाल लूं, तो वो जो डिटेंशन होता है वो क्या कहलाता है, निवारक निरोध कहलाता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाता है। जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, निवारक निरोध से काफी लोग ज्यादा ही जेल में गए थे, तो ऐसा सपना था हमारे देश के लोगों का कि जब हमारा देश आजाद तो हम इस डिटेंशन का शिकार नहीं बनेंगे, हमारे देश में ऐसा कोई रूल नहीं होगा, हमारे देश में ऐसा कोई नियम नहीं होगा कि लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन के शिकार है। अलग बात है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो
तो हमें उस सिचुएशन को देखते हुए ये नियम आगे ले चलना पड़ा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अगर हम बात करें जो मीसा एक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मीसा एक्ट था बेसिकली वो भी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन था, मतलब निवारक विरोध का ही एक्ट था जिसकी सजा हमें पड़ी। हम मीसा एक्ट के तहत लगभग सैकड़ों लोग, या उस समय तो आंकड़ा कुछ क्लियर नहीं था लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 50,000 या 40,000 के करीब लोग केवल और केवल मीसा एक्ट। क्या है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी है, और ये भी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है, मतलब निवारक विरोध का ही कार्य। ठीक है, चलिए नोट्स बनाते रहिए बेटा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अब इन चीजों के लिए आपको डिटेल में समझना है, मैंने आपको सीधे सीधे बताया, लेकिन अगर आप इन चीजों को बहुत डिटेल में समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स, अगर हम अपने देश के बाद संविधान के बारे में बात करें तो हमारे देश का फंडामेंटल राइट्स का, या जिसको हम लोग कहते हैं मूल अधिकार, क्या देखिए मूल अधिकार के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर इमरजेंसी वाली मेरी वीडियो देख लीजिए तब यहाँ पे आइए, लेकिन इतना कहूंगा कि अगर इस वीडियो का चरम सूत्र आपको पाना, मतलब इस वीडियो का भरपूर आनंद यदि आपको उठाना है तो आप वो दोनों वीडियो देख लेंगे और ये देखेंगे तो आपको बेहतर समझ। क्या ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आप देखेंगे और वो दोनों वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी मैं एकदम शुरू से लेकर चलूंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जाके मेरी इमरजेंसी वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, केशवानंद भारती केस वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो आपको चीजों बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ सकती है। आर्टिकल 14 से 32 तक का जो अधिकार था उसे मूल अधिकार कहा जाता है। इसमें से अगर हम बात करें कुछ प्रमुख अधिकारों के बारे में तो 19 से लेकर 22 तक का जो हमारा आर्टिकल था, इन्हीं आर्टिकलों पे आज हमें बहुत ज्यादा चर्चा करनी है, और यही आर्टिकल जो था वो कहना था स्वतंत्रता। जो अधिकार है इन्हीं को कहलाया गया स्वतंत्रता। हमें चर्चा 14 से लेकर 18 तक, आज हम इस पे बहुत ज्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि 14 से लेकर 32 तक के बीच में है इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा है कि सबसे प्रमुख जो आज चर्चा का विषय होगा, हमारा केंद्र होगा, वो 19 और 22 की होगा। 21 और 22 ज्यादा होगा, 19 और 20 का में थोड़ी बहुत चर्चा आएगी। 14 से 18 तक के आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो ये आर्टिकल जो थे बेसिकली इनको समानता का अधिकार, समानता का इसका बहुत ज्यादा आज नहीं है आज के टॉपिक में, लेकिन अगर आपकी जानकारी के लिए आपको बताते आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक का जो अधिकार था वो समानता का अधिकार था। आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, सबको मालूम है कि इसे अंबेडकर जी ने क्या नाम दिया। इस आर्टिकल का अगर मैं नाम बताऊं, इस आर्टिकल के बारे में आप लोग जानते हो कि सबसे प्रसिद्ध अधिकार या सबसे प्रसिद्ध आर्टिकल के बारे में जाना जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस आर्टिकल को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों। आज के मुद्दे में जब हम लोग बात करेंगे तो इन सब आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। अगर इसको अंग्रेजी में कहा जाए तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल
रेमेडीज का मतलब इलाज होता है, उपचार होता है, इसको लिया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करें तो आर्टिकल 19 जो है वो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है। आर्टिकल 19 19 के अंदर 7 क्लॉज है, बेसिकली आर्टिकल 19 के अंदर 7 क्लॉज है, 1 2 3 4 5 6 1 के अंदर अगर हम आर्टिकल 19 1 के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो आर्टिकल 19 1 का बात था वहां पर हम लोग बात किए थे स्वतंत्रता का अधिकार, और जो 19 था इसमें आर्टिकल 19 के अंदर लिखा गया है कि सभी भारतीयों को, याद रखिएगा इसमें जो आर्टिकल 19 में लिखा गया है वो लिखा गया सभी भारत के नागरिकों, आर्टिकल 21 में लिखा गया है सभी व्यक्तियों को। जब सभी नागरिक की बात होती है तो इसका मतलब इंडियन सिटीजन की बात होती है, सभी व्यक्तियों की बात होती है तो इसका मतलब अगर कोई विदेश से भी आया है हमारे देश में और वैधानिक रूप से रह रहा हो, वैध रूप से रह रहा हो, उसके लिए भी आर्टिकल 21 लागू हो। लेकिन आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो ये सभी इंडियंस के लिए लागू हुआ, और सभी भारतीय नागरिकों की बात अगर की जाए तो 6 तरह की आजादी दी गई है, और 6 तरह की आजादी में 91 का ए वाला आर्टिकल है, 91 ए जिसे कहते हैं, इसमें दिया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस। आदमी को अपने विचार रखने की आजादी, ठीक उसी प्रकार आर्टिकल 19(1) के अगर बी की बात करें तो आर्टिकल 19(1) के बी में दिया गया है पीसफुल असेंबली, मतलब समूह का पीसफुल असेंबली का अधिकार दिया गया, मतलब आप कहीं पर भी समूह बना के जा सकते हैं, कहीं पर भी आप गैंग बना सकते हैं, कहीं पर भी आप ग्रुप बना के जा सकते हैं, इन सब का अधिकार आपको संविधान देता है कि आप कहीं पर भी प्रतिनिधित्व करो। इसी तरीके से आर्टिकल 19(1) का अगर हम सी की बात करें तो आर्टिकल 19(1) का सी आर्टिकल है संगठन बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार आर्टिकल 19 का जो सी होगा, मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में उनके शब्दों पे नहीं जा रहा क्योंकि जो मेन चीज है वो आपको बताना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर हम बात करेंगे आर्टिकल डी और आर्टिकल, अगर हम बहुत महत्वपूर्ण चीजों पे बात करें तो आर्टिकल डी और आर्टिकल ई है, आर्टिकल डी और आर्टिकल ई के महत्वपूर्ण के बारे में अगर हम बात करें आज का जो मुद्दा होगा वो बेसिकली आर्टिकल डी और आर्टिकल ई से इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको दिखेगा, जो भी हम बात करेंगे आज चर्चा करेंगे वो कहीं ना कहीं 19(1) के आर्टिकल डी और आर्टिकल ई। डी क्या था, 19(1) का जो डी ऑफ डी आर्टिकल था वो था फ्री मूवमेंट का, राइट टू फ्री मूवमेंट, मतलब किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने का अधिकार, मतलब अगर आप भारतीय नागरिक हैं और आप चाहें आप लखनऊ में रहते हैं और आप कहीं और जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आजाद हैं, आपका संविधान आपको हक देता है, आपको संविधान आपको अधिकार देता है 91(d) के अंतर्गत कि आप कहीं पे भी अबाध रूप से संचरण कर सकते हैं, कहीं भी आप अपने मन से घूम सकते हैं। फ्री का मतलब यहाँ पे आजादी है, फ्री का मतलब ये नहीं कि आप ट्रेन में बैठ गए और टिकट नहीं लिए बोले कि हमारा आर्टिकल 19(1)(d) कहता कि हम फ्री में घूम सकते हैं, वहां पे वो वाला फ्री नहीं, फ्री मतलब मुफ्त वाला फ्री नहीं है, आप कहीं भी जाने के अधिकारी। हाँ, ये जितने भी अधिकार आपको दिए गए इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, कुछ ना कुछ अवरोध लगाए गए हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको अधिकार दिया गया असेंबली बनाने का, संगठन बनाने का, आपको फ्री घूमने का, और आप जहाँ पे न्यूक्लियर बम बन रहा है आप घुस गए कमरे में बोले कि हमें तो हमारा संविधान आजादी दिया हुआ है कि हम न्यूक्लियर बम हम कहीं भी आ जा सकते हैं, न्यूक्लियर बम देखने दीजिए, तो ये सारे अधिकार जो बोले जाते हैं इस तरीके के सारे जो कानून है इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो 19(2) के अंदर अंतर्गत रखा गया है, रिस्ट्रिक्शन जो है रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया वो 19(2) के अंतर्गत सारे रिस्ट्रिक्शन के बारे में मेंशन किया गया।
अगर हम ई की बात करें तो ई वाला जो आर्टिकल है वो राइट टू रेजिडेंशियल एंड रेजिडेंशियल एंड इसके बारे में हम कह सकते हैं सेटलमेंट रेजिडेंशियल एंड सेटलमेंट मतलब आप कहीं पर भी अपने देश में किसी भी जगह पर यदि आपकी इच्छा है तो आपको आपका संविधान अधिकार देता है कि आप कहीं पे रेजिडेंस बना सकते हैं, कहीं पे सेटल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रहने वाले, मान लीजिए किसी छोटे से गांव के हैं, कोई भी गांव मान लीजिए गोरखपुर के हैं या फिर सुल्तानपुर के या फैजाबाद के, और आप नौकरी कर रहे हैं बैंगलोर में, तो बैंगलोर में काफी दिनों तक तो नौकरी करने के बाद आपको यह एहसास हुआ कि अब मैं चाहता हूँ कि बैंगलोर में ही सेटल हो जाऊँ, बैंगलोर में ही हमारा घर हो, तो आपको आपका संविधान 19(1)(d) के अंतर्गत आपको यह अधिकार देता है आप भारत के किसी भी कोने में सेटल हो सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में आप अपना घर बना सकते हैं। क्लियर है? ये हमारे कुछ संविधान के अधिकार, लेकिन जितने भी अधिकार हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्शन के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन मान के चलना इन सब के बारे में, जैसे अभी पीसफुल असेंबली है, कोरोना काल चल रहा है, तो पीसफुल असेंबली वाला जो हमारा आर्टिकल, जो हमारा ये आर्टिकल 91 का भी एक बैन कर दिया गया है कि आप कहीं पे ग्रुपिज नहीं कर सकते, कहीं पे संगठन नहीं बना सकते हैं, 144 धारा के टैक्स लगा के इंचिंग बंद कर दिया, तो इस तरीके के लगेंगे। ठीक है, आर्टिकल एफ के बारे में बात करें तो पहले ये 91 के एफ में होता था, लेकिन 44 में एफ क्या होता था, संपत्ति का अधिकार होता था 91 का एफ जो आर्टिकल था, लेकिन 44 का संशोधन हुआ उसके बाद उसको हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार हटा दिया। तो ई के बाद डायरेक्ट आ जाता है, जी आ जाता है, और जो जी आर्टिकल है 91 का, अगर जी की बात करें तो 91 का जी है प्रोफेशन, मतलब राइट टू चूज योर ओन प्रोफेशन है, मतलब आपको अधिकार देता है कोई भी प्रोफेशन चुनने का, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, यदि आप वकील बनना चाहते हैं तो आप वकील बन सकते हैं, यदि आप उद्यम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा जो आर्टिकल 19(1) का जी क्लॉज है वो आपको आपके अनुसार जो भी आप चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ रिस्ट्रिक्शन जरूर दिया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है एक व्यक्ति था तो उसने पढ़ाई लिखाई तो नहीं की थी, लेकिन उसने अस्पताल खोल वहां पर इलाज करने गिरफ्तारी हुई, उसने कहा कि मैं तो 19(1)(g) के अंतर्गत फ्री हूँ कोई भी उद्यम करने के लिए। उस समय फिर संशोधन किया गया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको सरकार द्वारा कुछ ना कुछ अहिताएं दी जाएंगी, कोई ना कोई कंडीशन दी जाएगी कि अगर आप लॉ पढ़े हो तभी आप वकील बन सकते हो, आपने इंजीनियरिंग की है तभी आप इंजीनियर बन सकते हो, आपने BDS किया है तभी आप डेंटिस्ट बन सकते हो, आपने MBBS किया है तभी आप डॉक्टर बन सकते हो। इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन हमारे संविधान में लगा दिया गया है कि आपको कोई ना कोई एक कनेक्शन के साथ। आर्टिकल 19 अगर आप समझ गए हैं तो आर्टिकल 19 समझ गया हो, जैसा कि मैंने आपको कहा कुछ आर्टिकल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में बताया, 19 से 22 तक का जो आर्टिकल था, तो अगर हमने आपको 19 बता दिया, आर्टिकल 10 भी जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन आर्टिकल 20 अगर आप बताएं तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो अपराधी है उनको अपराधी को अपराध के अंतर्गत या कानून के अंतर्गत कैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुलिस उनको जबरदस्ती कोई भी जुर्म कबूल नहीं करवा सकती है, कोई भी उनके ऊपर जबरदस्ती एक्ट लगाया जा सकता है, इस तरीके की चीजें आर्टिकल 20 के अंतर्गत उतना इम्पोर्टेंट आज के केस में नहीं है इसलिए हम बहुत ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ और जिसके बारे में आज की बहुत ज्यादा मुद्दा है, आज का टॉपिक है जिसके इर्द गिर्द घूमने वाला है, वो आर्टिकल आर्टिकल 21 के बारे में अगर मैं बात करूं, अभी मैंने फोटो दिखाया था आपको, ये था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का बारे में, आपके जीवन का अधिकार है इसमें और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू लाइफ का मतलब आपके जीवन का अधिकार है एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इतने महत्वपूर्ण है और इसी के अंदर एक बहुत ही मशहूर दो शब्द का प्रयोग किया गया है जिन शब्दों से ही पूरा खेल हमारा आज का टॉपिक है,
बेसिकली यही है कि अगर आप इन दोनों शब्दों को गहराई से समझ गए, दोनों शब्दों का मतलब यदि आप समझ गए, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर आप समझ गए, और उसके बाद यदि दोनों केस के बारे में हम बात करेंगे, चाहे वो गोपालन केस हो, चाहे वो मेनका गांधी केस हो, चाहे वो हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रतीक्षा कर केस हो, तो उसके बारे में आप बेहतर समझ पाएंगे, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे जब आप इन दोनों मुद्दों के बारे में। लेकिन अभी तक अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, आपसे पूछूं कि अभी तक जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो चीजें अगर आपको प्रॉपर समझ में आ गई हैं, एक बार आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अभी तक जितनी भी चीजें बताई गई हैं समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का, वो आप अभी तक समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, मेरी भाषा समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, मैं जो मुद्दा लेके आज आया हूँ उस मुद्दे पे आप चर्चा कर पा रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस आर्टिकल 21 का, तो आर्टिकल 21 का जो स्टेटमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। आर्टिकल 21 का जो स्टेटमेंट है वो अगर मैं लिखाऊं, तो इस आर्टिकल 21 का जो स्टेटमेंट आपको समझ में आने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिकली आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है उसको समझेंगे। लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति को दो चीजों से कौन से दो चीज है, अगर हम दो चीजों के बारे में बात करें तो पहला चीज है राइट टू लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, और दूसरी चीज है दूसरी जीवन। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को इन दो चीजों से यदि वंचित किया जाए तो केवल विधि द्वारा, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ द्वारा ही वंचित किया जा सकता है या के माध्यम से वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति को दो चीजों से, कौन से दो चीजें हैं, एक तो राइट टू लिबर्टी है और एक राइट टू लाइफ, मतलब जीवन का अधिकार से वंचित करने का मतलब। देखो जीवन के अधिकार से वंचित करने का मतलब अगर आपको समझाया जाए, जीवन के अधिकार से वंचित करने का मतलब है उसको मृत्यु दंड से, नहीं तो जीवन के अधिकार से वंचित करना, भाई मैं आपके जीवन के अधिकार से वंचित कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है, विधि द्वारा कोई नियम बना के अगर मैं आपको मृत्यु दंड दे दूं तो वो क्या हो जाएगा, आपके जीवन के अधिकार से वंचित कर लें। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करने का मतलब है कि आपको कैद कर दें या आपको जेल भेज दें। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए किसी पिता ने अपने बेटे को कैद कर रखा है या किसी बेटे ने अपने पिता को कैद कर रखा है, इस तरीके का जो भी कानून है, इस तरीके का जो भी कैद है, मतलब तो आपके जो स्वतंत्रता है, आपकी जो आजादी है, जो 19 आर्टिकल 19 का 1 क्लॉज ए बी सी डी ई एफ कहता है, अगर उन सारे अधिकारों को हम कैद कर लें, आपको जेल में भेज दें, आपको कैद कर लें, आपको बंदी बना लें, आपको डिटेन कर लें, आपको, तो आप इन सारे अधिकारों से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाते हैं। लेकिन
ये सारे अधिकार आप तभी और तभी ग्रहण कर सकते हैं केवल और केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही आप प्राप्त कर सकते हैं, मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कानून के द्वारा, नियम के द्वारा बनाए गए जो भी हक है उसी से आप कर सकते हैं, बनाते हैं। समझ में आई? इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर इन चीज के बारे में आपको पढ़ना है तो इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको आर्टिकल 22 के बारे में बता देता हूँ कि आर्टिकल 22 क्या है, आर्टिकल 22 क्या है। हम लोग आर्टिकल 21 पे भरपूर चर्चा आज के टॉपिक में करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो सारा मुद्दा है वो आर्टिकल 21 पे ही है। लेकिन जो मीसा एक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात करने वाले हैं, अगर हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो केस गया था बंदी प्रत्यक्षीकरण का, देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट का बहुत नाम है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीने पे बहुत सारे मेडल, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिस फैसलों को सुनकर हमें गर्व होता है, जिस फैसलों को सुनकर हमें लगता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ताकत थी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पावर थी जो आज हमारे देश जिंदा है, सांस ले पा रहा है। लेकिन अगर उसके अंदर इतने सारे मेडल है तो कुछ कलंक भी लगे हैं, माथे पे कुछ कलंक लगे हैं, और उस कलंक को हम ये कह सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो मामला था, हैबियस कॉर्पस का जो मामला था, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कलंक। और जब मेनका गांधी का मामला आया 1978 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी अपनी जान लगा दी मेनका गांधी के मामले से कुछ ऐसा फैसला देने का सोच लिया, जिसकी वजह से वो जो धूमिल हुई थी उसकी इमेज जो उसके ऊपर कलंक लगा था, वो चाह रही थी कि मेनका गांधी के फैसले में कुछ ऐसा कर दे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो कलंक लगा है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, वो कलंक धुल जाए। देखिए केशवानंद भारती केस के बारे में भी हमने स्टडी किया, केशवानंद भारती केस और मेनका गांधी केस में अगर हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण समानताएं हैं। केशवानंद भारती केस हमने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था, और उसमें आपको बताया था कि जो केशवानंद भारती केस हार गए, वो बताया पूरी कहानी सुनाई थी, लगभग 2 से 3 घंटे की पूरी स्टोरी थी, हमने उसको भी 3 भागों में पढ़ाया था, क्योंकि आज की क्लास हम 2 भागों में करेंगे, 3 भाग में ज्यादा दिक्कत हो जाती है, 1 भाग में पढ़ेंगे, दूसरा भाग पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं से भी लगे कि नहीं आप सर के ऊपर से जा रहे हैं, क्योंकि चीजें तो मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ महत्वपूर्ण पढ़ा रहा हूँ, आपके एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं भी आपको लगे कि नई चीजें हॉच हो रही, क्योंकि आज का टॉपिक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया हूँ, जिस पे आपके इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जा सकता है, रिटेन में भी पूछा जाता है, और ऐसे चर्चा में भी ये सवाल होता है। केशवानंद भारती केस और मेनका गांधी केस के बारे में अगर बात करें तो केशवानंद भले को केस हार चुके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही भयंकर फैसला दिया था जिससे हमारा देश जीत गया। उन्होंने उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने मूल ढांचे की बात की, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की, संविधान का मूल ढांचा बताया जो कि बदलना बहुत ही सरकार के नामुमकिन। मेनका गांधी केस भी हार गई, मतलब ये है कि मेनका गांधी ने जो जो डिमांड किया था अपने केस में वो नहीं मिला था, कुछ चीजें अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम फैसला दिया जो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, तो उसके अंतर्गत हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि 21 कितना महत्वपूर्ण है, और हमारा जो हैबियस कॉर्पस केस है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत होगा, आर्टिकल 22 को क्रॉस कर। तो आर्टिकल 21 तो हमने आपको मोटा मोटा बता दिया क्या है, आर्टिकल 22 के बारे में सुनिए, आर्टिकल 22 उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन हाँ समझने वाला है। आर्टिकल 22 के अंदर बेसिकली 7 क्लॉज, आर्टिकल 22 के अंदर 7 क्लॉज, इन 7 क्लॉज के अंदर अगर हम बात करें 1 से 3 तक का जो क्लॉज है, क्लॉज 1 टू 3 की अगर हम बात करें, क्लॉज 1 टू 3 अगर इन सब क्लॉज की बात करें, ये दंडात्मक निरोध या अंडर ट्रायल से संबंधित है, या फिर दंड
दंडात्मक निरोध से संबंधित है जो हमने आपको शुरू में ही बताया था, एक बार आपको वहां ले चलता हूँ। डिटेंशन के बारे में आपको बताया गया था, डिटेंशन के बारे में बताया था, एक डिटेंशन दंडात्मक निरोध होता है, दूसरा निवारण निरोध। जो आर्टिकल 1-2-3 क्लॉज है, आर्टिकल 22 का जो 1-3 तक क्लॉज है, वो बेसिकली दंडात्मक निरोध के बारे में बात किया गया। और आर्टिकल 4 से सरल के लिए बात करें, 22वां आर्टिकल 22 का अगर हम 4 से 7 नंबर क्लॉज तक बात करें, तो ये क्लॉज बेसिकली किसके बारे में बात करता है? निवारक निरोध के बारे में बात करता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। आज की जो टॉपिक है, मैंने बताया कि हम लोग आज किसके बारे में बात करने वाले हैं, निवारक निरोध या प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करेंगे। और इसी से संबंधित हमारा वीसा एक्ट भी है, और वीसा एक्ट को समझना है आपको, मालूम है कि आर्टिकल 4 से 7 क्या है। आर्टिकल 4 से 7 अगर हम बात करें, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21 के महत्वपूर्ण तथ्यों। पहले तो हम समझेंगे जो वो दो शब्दावलियों के बारे में समझेंगे, लेकिन उसके पहले समझेंगे जीवन का अधिकार। या राइट टू लिबर्टी की अगर हम बात करें, तो क्या जीवन के अधिकार के बारे में क्या था? मृत्यु दंड देना, बात करते हैं जीवन के अधिकार का मतलब। जैसे किसी को भी मृत्यु दंड देना वो क्या है, उसको जीवन के अधिकार से वंचित करना। बात करें निर्भया कांड की, निर्भया कांड में सबको फांसी दे दी गई, तो मालूम। और एक हुआ था जो मुंबई बम ब्लास्ट में था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, हमारे देश की जो जनता है वो इस बात से बड़ा उदास रहती है कि पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आया है, बहुत दिन तक हमारे देश पे आक्रमण किया, फिर भी हमारे देश की जो जनता है, हमारे देश का जो न्यायालय है, हमारे देश की जो पुलिस है, उसको बिरयानी खिला रही है, उसको फांसी नहीं दे रही है, तुरंत लटका नहीं रही है। ये सब फर्जी बातें हैं। अगर आप देश के कानून के बारे में समझेंगे, आप देश के हालात के बारे में समझेंगे, देश के संविधान के बारे में यदि आपको मालूम होगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बारे में बात नहीं करेगा। बेसिकली होता क्या है, एक सभ्य देश का जो कानून होता है, कल्चरल कंट्री जो होती है, एक सभ्य देश का जो कानून होता है, वो चाहे किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति यदि उसको पकड़ लिया गया, कोई भी सभ्य देश का कानून, भारत भी ऐसा करता है, अन्य सभ्य देश भी ऐसा ही कानून करते हैं, कि किसी को भी अगर पकड़ लिया गया है, उसको उसके हिसाब से या उसको उसकी अभिव्यक्ति को सुनने का पूरा अधिकार देते हैं, कि वो भी अपना पक्ष रख सकेंगे, नहीं कि हमने पकड़ लिया हम तो उसको फांसी पे लगा दिया, टांग दिया, ऐसा नहीं। प्लस हमारे देश के संविधान का एक नियम है कि यदि आप किसी भी कोई भी क्रिमिनल केस होता है, तो क्रिमिनल केस होता है, तो जो क्रिमिनल केस है वो हमारे संविधान का नियम है कि क्रिमिनल केस जो होता है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहां पे शुरू हो सकता है, सेशन कोर्ट। देखो जो सिविल मामले होते हैं, सिविल मामले वो जिला न्यायालय में होते हैं, क्राइम मामले जो होते हैं वो सेशन कोर्ट में। अब कोई भी क्रिमिनल केस तो हमारे पूरे देश में संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी क्रिमिनल केस हो, वो क्रिमिनल केस सबसे ज्यादा से ज्यादा कहां पे शुरू होगा, सेशन कोर्ट में। मतलब आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं शुरू कर सकते, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं शुरू कर सकते, क्या करे, पुनर्विचार करे, उस फैसले को सुने, उस फैसले पे केस हो। मतलब ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई चाहे तो जा सकता है,
अगर सेशन कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दिया है तो हाई कोर्ट की एक जिम्मेदारी बनती है, सही भी है। अब एक सभ्य देश का ये नियम होना बहुत सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो, कोई जज अगर किसी पे मान लो खुन्नस खाया हो, कोई सरकार किसी पे खुन्नस खाया, तो सेशन कोर्ट में वकील की जज से मिलकर किसी भी व्यक्ति को फांसी पहुंचा सकती है। हमारे संविधान में, हमारे संविधान सभा ये चाहती थी कि ऐसा ना हो, इसीलिए यहाँ पे ये बात नियम लिखा गया कि अगर सेशन कोर्ट ने किसी को फांसी दे दिया है तो हाई कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है, और ये नियम है, करना ही करना है। जरूरी नहीं है कि वो उसकी मन पे नहीं है, उसकी इच्छा होगी तो करेगी, नहीं इच्छा होगी तो ऐसा नहीं। अगर सेशन कोर्ट ने किसी को फांसी दे दिया है तो हाई कोर्ट उस मुद्दे को फिर से पुनर्विचार करेगी, और अगर हाई कोर्ट ने भी फांसी दे दिया है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। खैर सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई नियम तो नहीं है, लेकिन अक्सर लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो एक कहते हैं परंपरा सी बन सकती, बन जाए, बन गई है कि हाई कोर्ट में फांसी के बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट है, राज्यपाल है, मतलब ये सारे अधिकार लोगों को दिए गए हैं कि वो सजा को माफ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उसकी बात को सुनने का अधिकार। इन सब चार कामों में प्रोसेस होता है, टाइम लगता है, इसकी वजह से हमारे देश में लोगों को फांसी देने में समय लग जाता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं, हमारे देश की पुलिस ऐसी है, सरकार ऐसी है, नहीं, संविधान है, और ये जरूरी भी है, ये सही भी है, गलत नहीं है। एक कल्चरल कंट्री की बात करें, एक सभ्य देश की बात करें, एक अच्छे देश की बात करें, तो ऐसा ही कानून होना चाहिए। कानून सही है, कोई बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं हो सकती, ठीक है। तो जीवन का अधिकार का मतलब है आप किसी को मृत्यु दंड दे रहे हैं तो उसका जीवन का अधिकार छीन रहे हैं। अगर हम व्यक्तिगत एक जीवन का अधिकार हो गया, दूसरा अगर हम बात करें आर्टिकल 21 को, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम बात करें, तो किसी भी व्यक्ति को अगर आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से अगर वंचित करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। किसी भी व्यक्ति को यदि आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करना है तो कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है किसी भी व्यक्ति को यदि आप करना चाहते हैं तो उसके जेल कर दें, उसको कैद दे दें, या फिर बंधुआ मजदूर जो होता है वो भी एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ होता है। पिता द्वारा बेटे को, जैसे मुझे याद आ रहा है औरंगजेब की कहानी, शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया, ताजमहल बन ही गया था, कमरे की खिड़की से वो ताजमहल देखा करता था कई साल तक, 8 साल में 7 साल तक वो कैद में रहा, फिर उसका स्वतंत्रता के अधिकार का वंचन ही करना था, वंचित ही हुआ था। उस तरीके की जो केस होता है वो स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन इन दोनों चीजों को करने का एक जो नियम लिखा गया था वो नियम बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नियम था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंतर्गत ही किया जा सकता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंतर्गत ही ये चीज किया जा सकता है। इन्हीं सब पे आधारित जो हम लोग केस पढ़ेंगे, सबसे महत्वपूर्ण केस के बारे में हम बात करेंगे, तो वो एक केस है AK गोपालन। AK गोपालन एक बहुत बड़े ही कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। 1950 में इनका एक केस हुआ, इनको गिरफ्तार कर लिया गया मद्रास सरकार। फिर गिरफ्तार इनको 1947 में ही मद्रास सरकार ने कर लिया था, लेकिन 1947 में गिरफ्तार करने के बाद इनको 3 साल तक अपने अंदर रखा, और फिर 1950 में हमारे देश में एक्ट बना 1950 में, जब देश आजाद हुआ तो 1950 में आपको मालूम है संविधान पारित हो गया था, उसी समय 1950 में एक एक्ट बना प्रिवेंटिव डिटेंशन। इनके पीछे की कहानी, और इन एक्ट के अंतर्गत जब ये एक्ट बना तो 1950 में मद्रास सरकार ने इनके ऊपर इस एक्ट को भी लगा दिया, और इस एक्ट के अंतर्गत इनको और जेल में रखा, जिसकी वजह से AK गोपालन काफी परेशान हो गए, और उन्होंने फिर केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में जाकर, ये तो अंदर थे,
वकील जाता केस क्या था उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि प्रिवेंटिव प्रिवेंशन एक्ट जो था इस एक्ट का प्रयोग क्या था, इस एक्ट को कैसे लाया गया और ये हमारे देश में क्यों लाया। देखिए हमारे देश में प्रिवेंटिव प्रिवेंशन एक्ट जो था वो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। उन्होंने प्रिवेंटिव प्रिवेंशन एक्ट क्या था, मैंने शुरू में आपको बताया कि निवारक निरोध, मतलब हमें अगर सत है, हमें अगर संभावना है कल को कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसके पहले कि आप करें कल मैं आपको पहले ही गिरफ्तार कर चेंगे। अंग्रेज जो है इसका उपयोग करते थे जब भारत का पहला, जब अंग्रेजों का पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 के अंदर, तब भी अंग्रेजों ने डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट ले आए थे। 1947 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब भी अंग्रेजों ने डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट 1947 ले आए थे। इस एक्ट का केवल एक ही उद्देश्य था कि जब अंग्रेज उस विश्व युद्ध में भाग ले रहा होगा तो इस इंडिया में कोई विद्रोह ना हो जाए और इसके पहले हम डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लगाकर जिस पे मुझे शक है उनको उठाकर जेल में ठूस लेंगे या जेल में भर देंगे या जेल में रख देंगे। तो यह एक्ट उन्होंने पहले भी लगाया। प्रिवेंटिव प्रिवेंशन एक्ट भी अंदर यहाँ पे चली रहा था जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसी समय 1818 के करीब पहली बार अंग्रेजों ने प्रिवेंटिव प्रिवेंशन एक्ट लगाया। मतलब कहने का मेरा ये है इस एक्ट का भुक्तभोगी हमारा देश पहले से ही था, और जब हमारे देश के ऊपर, हमारे देश के नागरिकों के ऊपर ये कानून लग रहा था उस समय लोगों ने ये सपना देखा होगा कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो इस तरीके के कानूनों से बचेंगे। भाई जो क्या मैं करने वाला हूँ या जो काम मैं करने वाला हूँ बात का अंदाजा है या मैं नहीं करूंगा, जो भी है आप सबके बुनियाद पर, जैसे रॉलेट एक्ट आया था जिसके खिलाफ पूरी भारत की जनता लग गई थी, रॉलेट एक्ट वो भी यही प्रिवेंटिव डिटेंशन का ही एक फॉर्म था रॉलेट एक्ट भी। मतलब हमें अगर सच होता है, हमें अगर लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला तो हम उसके पहले ही गिरफ्तारी कर सकते। ये रॉलेट एक्ट भी क्या था, प्रिवेंटिव डिटेंशन। जब अंग्रेज ये सारे नियम ला रहे थे उस समय हमारे देश में यही चल रहा था कि हम आजादी के बाद ऐसा कोई नियम नहीं लाएंगे हमारे देश में आजादी। देश की जनता भी सोच रही थी कि हमारा देश जब आजाद होगा इस तरीके का कोई नियम नहीं आया जाए। लेकिन जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय कई सारे मामला थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ छोटी सी आजादी हमें मिली थी, लेकिन उसी समय हमारे देश में बहुत बड़ा बवाल उठा। आजादी के पहले तक सब लोग एक थे, लेकिन आजादी मिलते ही पूरा देश अलग अलग हो गया, क्षेत्रवाद में बढ़ गया। यानी कि अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी की भी मृत्यु हो गई। मृत्यु क्या कह सकते, हत्या हो गई। एक तरफ इंडिया पाकिस्तान बट रहा था तो हिंदू मुस्लिम का भी एक बड़ा वर्चस्व लड़ रहा था उस समय, उसके साथ साथ क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। हर आदमी अलग अलग अपना क्षेत्र चाहता था। हर आदमी उस समय जैसे भूखा आदमी हो गया था, उसको लगा कि अब देश आजाद हो गया, हमें अपना अधिकार तुरंत मिल जाना चाहिए, हमें हमारा हक तुरंत मिल जाना चाहिए। हम ऐसे लड़ और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री भी थे। उस समय ये लगा कि इस समय हमारी सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि हमारे जो देश की आजादी मिली है कुछ ऐसा ना हो जाए हमारे देश में कि आजादी की खुशी में नरसंहार हो जाए, जनता मर जाए, अराजकता फैल जाए, देश में तूफान आ जाए। इससे पहले कि हमें कुछ व्यक्तियों की आजादी, पूरे देश की आजादी के लिए कुछ व्यक्तियों की आजादी के सरदार वल्लभ भाई पटेल तो ना चाहते हुए भी उस समय 1950 में ये एक्ट पारित करना पड़ा था। उस समय के माहौल को देखकर इसको कहा गया प्रिवेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन। और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे कई रातों तक नींद नहीं आई थी जब मैंने ये नियम पास किया था, जब मैंने ये बिल पास किया। गृह मंत्री थे तो विरोधी को पास करना था। बेटा मुझे कई रातों तक नहीं आया कि आजाद भारत में भी मुझे इस तरीके का कानून रखना पड़ रहा है कि मेरे लिए बहुत दुख की बात थी, बहुत दर्द की।
लेकिन उस समय के जो हालात थे, उस समय का जो मजबूरी थी देश की, वो ये एक्ट रखनी पड़ी। बाद में इसका मिसयूज हुआ, हम बाद में चर्चा करेंगे कैसे इसका मिसयूज हुआ, लेकिन उस समय हमारे देश की ये आवश्यकता थी, उस समय हमारे देश की ये जरूरत थी, उस समय हमारे देश पे ये संकट था कि अगर हम ये एक्ट नहीं रखते तो हमारा देश अराजकता से। तो 1950 में जब ये एक्ट पारित संविधान सभा एक संसद हुआ, जो मालूम है इलेक्शन 51 पावर में हुआ, तो जो संविधान सभा थी उस समय संसद का काम किया करती थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए कोई भी एक्ट पास कराना उनके बाएं हाथ का खेल था, उन्होंने यह आसानी से पारित कर। अब हमारे संविधान में एक आर्टिकल, जब हम केशवानंद भारती केस पढ़े थे आपको, हमने आर्टिकल 31, 32 और 33 पढ़ा, लेकिन मुख्य रूप से हमने आपको आर्टिकल 32 और 33 के बारे में बताया था। 31 के बारे में इतनी ज्यादा चर्चा नहीं किया था, लेकिन अगर 31 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 31 यही कहता है कि संविधान बनने के पहले या पहले से अंग्रेजों के समय से जो एक्ट चल रहा है वो सारे एक्ट क्या होंगे, उसी प्रकार से पारित होंगे। मतलब उस समय देखिए जब संविधान सभा हमारी बैठी थी, जब संविधान बन रहा था, तो उस समय कई सारे एक्ट बनाने से बढ़िया था कि अंग्रेजों के जो एक्ट चले आ रहे थे उसी एक्ट को पारित कर, तो उसमें एक नियम लगा दिया गया कि एक्ट जो है जो पहले से एक्ट चले आ रहे हैं वो एक्ट उसी तरह पारित होंगे, केवल वो एक्ट खारिज हो जाएंगे जो एक्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे या जो हमारे मूल अधिकार के खिलाफ होंगे। ऐसा कोई एक्ट जो पहले से चला आ रहा है और वो एक्ट आज के हमारे मूल अधिकार के ऊपर हमला कर रहा है, मूल अधिकार को हनन कर रहा है, वो एक्ट खारिज हो जाएगा, बाकी सारे एक्ट चलते आएंगे। आर्टिकल 13 तो ये कहता है कि आप कोई भी नियम और कानून बना सकते हैं, किसी भी तरीके का नियम और कानून या किसी भी तरीके का आजादी को संभालने के लिए कोई भी आप एक्ट बना सकते हैं, कोई भी अधिनियम बना सकते हैं, कोई भी कानून बना सकते हैं, लेकिन वो सारे कानून मान्य होंगे, लेकिन अगर वो किसी हद तक हमारे फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचा रहा होगा तो उस एक्सटेंड तक वो सारे के सारे अधिकार क्या हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। 33 के अंतर्गत वो लिखा गया कि कानून क्या होता है, एक्ट भी कानून है, अधिनियम भी कानून है, कस्टम भी कानून है, कोई नियम भी कानून है, मतलब कानून क्या क्या हो सकता है वो सारी चीजें लिखी थी हमने केशवानंद भारती केस में आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बारे में डिटेल में चर्चा किया। अब सवाल ये है कि इसी एक्ट के तहत 1950 एक्ट के तहत हमने बोला कि 1950 एक्ट के तहत भी क्या हुआ, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट गए, ये सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके इन्होंने ग्राउंड क्या रखा, केस का आर्ग्यूमेंट क्या था, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर उसके बारे में हमें चर्चा करना है सबसे पहले हमें इन दो शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा, ड्यू प्रोसेस लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय। अगर आप इन दो चीजों का मतलब समझ गए तो आप समझिए पूरे केस को बेहतर तरीके से आ सकते, तब आप उनका आर्ग्यूमेंट भी समझ जाएंगे और तब आप उनका मामला भी समझ जाएंगे। एक्चुअल में ये दोनों शब्द है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, या इसको हिंदी में कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और इसको हिंदी में कहते हैं ड्यू प्रोसेस लॉ का मतलब होता है कि इसकी हिंदी क्या होती वो मुझे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है विधि द्वारा। समझते हैं दोनों वर्ड को, आर्टिकल 21 और 22 के अंदर। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू
देखिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये दोनों ही कानून जो है बेसिकली वो अंग्रेज की देन है। ड्यू प्रोसेस अपना बाद में अमेरिकन हो गया, लेकिन पहले शुरुआत अंग्रेजों से हुआ था। अमेरिका में भी तो पहले अंग्रेजों का ही शासन था, बाद में अमेरिका आजाद हुआ 1788 के करीब आजाद हुआ। लेकिन ये दोनों ही नियम प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में बेसिक डिफरेंस क्या है वो चीजें मैं आपको समझा के भाग एक काम करूंगा और फिर भाग दो में मैं समझाऊंगा कि दोनों केस का ए के गोपालम, मेनका गांधी और हैबियस कॉर्पस चीफ के अंतर्गत क्या है, इसको हम लोग डिटेल में समझे। फिलहाल हम लोग इस चीज को समझते हैं कि ये दोनों मतलब क्या था। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, देखिए प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है विधि द्वारा स्थापित कोई भी प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित कोई भी प्रक्रिया। मतलब इसका मोटा मोटा ये समझेंगे कि जो संसद है, जो सरकार है, वो किसी के जीवन का अधिकार लेने के लिए या किसी के भी स्वतंत्रता के अधिकार, भाई आर्टिकल 15 के अंदर कोई नियम था राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता, किसी भी के व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार लेने के लिए, किसी भी जीवन का अधिकार लेने के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लागू होगी। मतलब संसद और सरकार द्वारा एक कानून बनाया जाएगा, एक कानून बनाया जाएगा, उस कानून के अंतर्गत किसी को भी सजा दी जा सकती और इस कानून की, और जो हमारा उस समय जुडिशरी होगा उसका काम क्या होगा, ये जुडिशरी जो होगी वो केवल और केवल संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून का प्रोसीजर चेक करेगी कि जो कानून बनाया गया है वो कानून सही रूप से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है, और अगर कानून सही रूप से बनाया है तो जो सजा मिल रही है वो इस कानून के प्रोसीजर के तहत मिल रही है कि नहीं। मतलब जो कानून बनाना है वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगी या सरकार बनाएगी, जुडिशरी क्या करेगी, जुडिशरी का कानून पर कोई अधिकार नहीं होगा, नो पावर नो राइट, बस उसका काम ये होगा कि संसद ने जो कानून बना दिया है वो कानून ठीक प्रोसेस से बनाए कि नहीं। भाई जिसके पास अधिकार होगा वही तो कानून बनाएगा, जिसके पास कई सारे बहुमत होगा वही तो कानून बनाएगा। तो जुडिशरी ये चेक करेगी कि जिसने भी कानून बनाया है वो बहुमत के था कि नहीं, वो प्रोसेस जो कानून बनाने का प्रोसेस है वो फॉलो किया है कि नहीं किया है, और अगर फॉलो किया है तो जिस कानून के माध्यम से सजा मिलनी थी वो वाला प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में कोई कानून बनाया जाता, ब्रिटेन में आपको मालूम है कि राजा महारानी, महाराजा या महारानी का कोई बहुत बड़ा रोल होता नहीं, वहां की जो संसद है वही सर्वोच्च, संसद ने अगर कोई नियम बना दिया नहीं है वो सवाल। हमारे देश का राष्ट्रपति जो है वो ब्रिटेन के राजा या रानी से ताकतवर होती है, हमारे देश का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। देखिए अंग्रेजों में ब्रिटेन में राजा महाराजा या महारानी के पास पावर, मंत्रिपरिषद अगर कोई कानून बना दिया 1888 के बाद से वहां के राजा राजा या महारानी ने मंत्रिपरिषद के किसी भी कानून पे उंगली भी नहीं उठाई है, टिप्पणी भी नहीं की है, पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजा, क्योंकि वहां का संसद क्या सर्वोच्च है। संसद ने यदि कानून बना दिया यदि कोई व्यक्ति ये वाला काम नहीं करेगा तो उसको लंदन के पुल से धक्का देकर टेम्स नदी में गिरा दिया जाएगा, ये सजा वहां पर पाएगा। जो जुडिशरी है वहां की वो क्या करेगी, वो केवल ये देखेगी कि वाकई उस व्यक्ति को लंदन के उस पुल से टेम्स नदी के अंदर गिराया गया है कि नहीं गिराया गया, बस इसी को कहते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब जुडिशरी केवल प्रोसेस चेक करती है और कुछ नहीं, लेकिन अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें, यहां पर जो संसद है, सांसद है या जो सरकार है वो कोई भी रूल बनाती है, कोई भी कानून बनाती है,
यहाँ की जो जुडिशरी होती है वो क्या करेगी, जुडिशरी के पास एक विशेषाधिकार होता है, जुडिशरी के पास एक विशेषाधिकार होता है, ये उस कानून पे भी टिप्पणी कर सकती है, उस कानून को भी जांच सकती है कि ये कानून आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया। जैसे मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया कि अगर किसी के घर में कोई हथियार पाया जाता है तो उसको फांसी दे, तो जो कानून हमारा जुडिशरी जो है वो इस कानून के ऊपर टिप्पणी करेगी, बोलेगी न न न न न न सुनो सुनो सुनो, अगर किसी के अंदर कोई भी हथियार पाया जाता है तो उसको सजाए मौत मिल जाएगी, ये कानून नहीं है, गलत कानून, इसके ऊपर एक कानून और होना चाहिए कि अगर उसके घर पे हथियार पाया जाता है तो उसको भी अपने पास रखने का अधिकार देना चाहिए। ये जुडिशरी ने बोल दिया अपनी तरफ से, तो संसद की मजाल नहीं है कि वो इस कानून को टाल सके, यानी कि यहां पर सर्वोच्च कौन है, यहां पर सर्वोच्च कोई नहीं, लेकिन जुडिशरी संसद को बैलेंस करती है और बैलेंस संसद जो होती है जुडिशरी को बैलेंस करती है, मतलब दोनों बैलेंसिंग जहां पर चलता हो वो कहता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और जहां पर संसद सर्वोच्च हो, जहां पर मंत्रिपरिषद सर्वोच्च हो, जहां पर जुडिशरी केवल प्रोसेस चेक करती हो, उसको कहते हैं प्रोसीजर स्टेब्लिश। भाई उम्मीद है कि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं है, तो मुझे बता सकते हैं, थक गए होंगे मुझे मालूम है, क्योंकि तो 1 घंटा 1.5 घंटे से एक क्लास मतलब तो चल रही है, आई होप कि 11 बजे क्लास शुरू हुई थी तो लगभग 1 घंटा 20 से 30 मिनट की क्लास हो चुकी है, तो कोई ऐसी कोई समस्या तो नहीं है, उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, जब मैं समझाने का आपको प्रयास किया। अब यही जो दो नियम थे, एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसी के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्ट्राडिक्शन, और जो हमारे एके गोपालम साहब ने जो केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में वो इसी को आधार बना के लड़ा, इसी को बेस बना के लड़ा, इसी पे वो केस, क्या केस था, क्या ग्राउंड बनाया, और वो रोचक कॉन्ट्राडिक्शन था, बहुत ही रोचक कॉन्ट्राडिक्शन था, अगर हम इस कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात करेंगे तो आप फूले नहीं समाएंगे, इतना बेहतरीन। लेकिन पहला पार्ट हम यहीं पर समाप्त करते हैं, सेकेंड पार्ट में मैं लेके आऊंगा कि वो रोचक कॉन्ट्राडिक्शन क्या था, हैबियस कॉर्पस केस कैसे आया, किस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, वो मुद्दा अभी तक तो आया ही नहीं, मेनका गांधी केस था, एके गोपालम केस क्या था, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सेकेंड पार्ट, अगर आपको पहला पार्ट बेहतर समझ में आ गया हो, रात में कल रात में आ जाएगा ये, अगर आपको बेहतर समझ में आ गया हो सेकेंड पार्ट में सुबह लॉन्च कर दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना, सुबह उम्मीद है कि 12 बजे तक हम लॉन्च कर देंगे सेकेंड पार्ट, और पहला पार्ट आप समझ जाओगे तो सेकेंड पार्ट अपने आप समझ जाओगे, आपको बेहतर लगेगी होगा, फिर आपको सारी कहानी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और जो मैंने आज आपको बेसिक संविधान से लेकर चीजों को उठा के जिस तरीके से पढ़ाया है वो तरीका आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, उस कमेंट से मैं मोटिवेट होता हूँ, फिर मैं कुछ नया टॉपिक लाने के लिए प्रोत्साहित होता हूँ, और आपको जो भी नया टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक के बारे में आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, कमेंट करिएगा, मेरी टीम या मैं खुद तो कमेंट देख लेता हूँ, ये क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगेगी तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे, और अगर अच्छी लगेगी तो मैं सेकेंड पार्ट सुपर जरूर लॉन्च कर दूंगा, आगे इस घटना के बाद क्या हुआ और रोचक तथ्य क्या था, एके गोपालम केस क्या था, मेनका गांधी केस क्या था, और फिर हैबियस कॉर्पस केस या बंदी प्रत्यक्षीकरण केस क्या था, और वीसा एक्ट कैसे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, उम्मीद है कि आप सभी